डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंट्राडे सेटअप, तो इंट्राडे सेटअप में जो लोग भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का सेटअप है। 1 मिनट के सेटअप में हमको ये ध्यान रखना है, सीपीआर हमको लगाना है। सीपीआर के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें वीवैप रहेगा, वीवैप के साथ हमारा ईएमए का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ईएमए में 8, 13, 21 and 34 ईएमए, जब सारा ईएमए का लाइन वीवैप को क्रॉस कर जाए उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो मूवमेंट आना था वो पीई में आना था और ये हमको सिग्नल कब मिला है, 12 बजे। और यहाँ पे अगर हम इसके विपरीत कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल में हमको सिग्नल कब मिल गया था कि कॉल गिरने वाला है, ये हमको सिग्नल मिल गया था सुबेरे 10 बजे। तो 10 बजे हमको कॉल गिरेगा का सिग्नल मिला हुआ था और यहाँ पे 12 बजे जो पुट है वो बढ़ेगा सिग्नल मिला। तो दोनों सिग्नल जब सिंक्रोनाइज हो गए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जो सेलर है उनको तभी सेल कर देना था जब सारा ईएमए का लाइन वीवैप के नीचे आ गया। वीवैप के नीचे आ गया तो प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे सेलिंग रहेगा और हमारा जो भी नेक्स्ट सीपीआर लेवल है वो टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो S2 लेवल पे आ गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इंट्राडे जो लोग भी करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ यही सेटअप यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। जो लोग भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में तो इससे बेहतर कोई सेटअप है नहीं और इसके अलावा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इंट्राडे वालों के लिए सीधा सा सेटअप है, कॉल और पुट दोनों को चार्ट लगा देना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, एक साइड में कॉल लगाना है, एक साइड में पुट लगाना है। 1 मिनट का सेटअप रहेगा, कॉम्बिनेशन में सीपीआर, सीपीआर के साथ वीवैप और जो ईएमए का कॉम्बिनेशन है वो लगाना है। तो जिसमें भी सिग्नल मिलेगा कि जिस डायरेक्शन में मूव होने वाला है, तो बायर है तो उसी डायरेक्शन में बाई कर सकते हैं, अगर सेलर है तो अपोजिट वाले में सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बायर के लिए इधर पूरा ऑप्शन खाली था और सेलर के लिए पूरा का पूरा होल्ड डे सेलिंग के साइड में ही सिग्नल था कॉल में। तो कॉल में यहाँ पर आप देखेंगे कन्फ्यूजन कम है, लेकिन पुट में आप देखेंगे यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो बाइंग साइड में कन्फ्यूजन ज़्यादा था, सेलिंग साइड में कन्फ्यूजन कम था। तो जो भी जब सिग्नल मिला और उसके बाद प्रीवियस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते थे तो बड़ा टारगेट मिल जाता। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा था कि जो कॉल का प्राइस है सीपीआर के नीचे था, तो एक कंफर्मेशन तो सीपीआर से हमको पहले से था, ठीक है। तो इंट्राडे जो लोग भी करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, चाहे बायर हो या सेलर हो, उनको यही सेटअप यूज़ करना है, ये सबसे बढ़िया सेटअप है। जब इसी के ऊपर कंसिस्टेंटली बार 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 यही काम करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, कब बड़े क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, कब छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। जब वाइडर सीपीआर हो तो हमको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसने क्लियर कट सिग्नल दिया था कि एक बड़ा मूव आया है ऑप्शन में। जो लोग भी ऑप्शन सेलर थे यहाँ पे पुट के सेलर, वो ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए हैं, मतलब यहाँ समझ जाना है कि अब डायरेक्शन चेंज होगा। उसके पहले जो भी आ रहा था वो जिग जैग चल रहा था, उसमें कुछ एंगल नहीं था। यहाँ पे आप देखोगे एंगल बदल गया है। तो बायर के केस में तो यहाँ पे एंगल फिर भी कंपेरेटिवली कम है, सेलर में क्लियर कट एंगल दिख गया था, ठीक है। तो वो अपन को तो फिर मतलब स्टडी पे काम करना है, अपन जाना सोचे तो डिस्टेंस ज्यादा है या कम है, मतलब जब मूव आ जाए तब पकड़ लें मोड़ के। नहीं, वो आपका इच्छा है, मेरा तो यही है कि जब सारा ईएमए का लाइन एक अच्छे एंगल के साथ निकलेगा तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। और जब ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकल जाता है मान लो, तो उसमें वायलेंट मूव आने लगता है, ये सबसे बढ़िया जगह होता है। एक तो ये हो गया इंट्राडे सेटअप। अब इसके ऊपर किसी का कोई डिस्कशन है तो 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। जैसे पद्मा टीवी जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। पद्मा जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप तो ये इन द मनी कॉल के लिए आप लगाने के लिए बोले थे जी, वो सेलिंग करने में यही सेटअप को मुझे थोड़ा दिक्कत डर लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये इन द मनी है ना, वो जनरली कार सेलिंग तो थीटा डीके के लिए आउट द मनी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन द करना है या नहीं करना मुझे समझ में नहीं आया आज। पहले पद्मा जी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू फॉरगेट व्हाट इज थीटा और डेल्टा वीगा गामा, फॉरगेट इट, यू हैव टू अप्लाई दिस सेटअप ओनली।
आप जो आउट ऑफ द मनी में थीटा डीके के लिए बात कर रहे हैं ना, वो इंट्राडे में आप क्या करोगे? 50 रुपए का अगर कॉल या पुट आप सेल करते हो तो उसमें आपको डीके का कितना बेनिफिट मिलेगा? आपका मार्केट मान लो उस दिन बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मूव करने वाला है और अगर आपने 50 रुपीज का कॉल या पुट सेल किया हुआ है तो आपको मिलेगा क्या? है ना, तो जी 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 इंट्राडे है तो इन द मनी करिए। आप आउट ऑफ द मनी या एट द मनी भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका चॉइस है। मैं उसमें अगर सीपीआर के नीचे रहा तो पहले ही वो एक हिंट दे देता है। जी 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 जो इन द मनी का बात, ये कंफ्यूज हुआ है इसलिए मुझे 500 का फुट में थोड़ा दिक्कत हुआ है सर। ठीक है ठीक, वो नीचे आगे नीचे होके थोड़ा मुझे प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू इफ यू आर इन अ लर्निंग फेज यू डोंट गो फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, यू जस्ट गो फॉर प्रैक्टिसिंग इट। एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ ओनली वन लॉट फॉर प्रैक्टिस। वंस यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑन, देन यू कैन मूव फॉर हायर लॉट्स। इनिशियली आई विल सजेस्ट फॉर सिंगल लॉट फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, इन द मनी कीजिए क्योंकि आप इंट्राडे करने जा रहे हो, एटीएम पे कर सकते हो। लेकिन अगर 100 पॉइंट इन द मनी करते हैं तो जो इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी का, वो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। एट द मनी करेंगे तो हो सकता है आपका इंडेक्स के चार्ट में अलग बिहेवियर हो और यहाँ पे बिहेवियर अलग हो। इन द मनी करने से दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। 100 पॉइंट्स इन द मनी, जी जी जी, तो उसमें निफ्टी जो इंडेक्स का बिहेवियर है और यहाँ पे जो हमको मिल रहा है उसका बिहेवियर दोनों साथ रहेगा। आउट ऑफ द मनी में हो सकता है निफ्टी में कुछ अलग मूव हो, लेकिन इसके ऑप्शन में अलग मूव हो सकता है। नैरो सीपीआर हो तो बड़ी क्वांटिटी और अगर हाँ सीपीआर है जी 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 जी, कई बार क्या होता है निफ्टी में हमको वाइडर सीपीआर दिखता रहेगा इंडेक्स में, लेकिन अगर हम ऑप्शन का प्राइसिंग का चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे नैरो रहेगा। तो समझ जाना है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन के प्राइसिंग पे अगर नैरो है तो उसमें बड़ा मूव आ सकता है। दूसरा क्लू ये है, कई बार होता है ना निफ्टी में वाइडर सीपीआर है, स्टिल देयर इज अ बिग मूव, है ना, वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।